एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में पूजा की सुमित से एक महीना पहले ही शादी हुई थी। पूजा एक नौकरी करने वाली लड़की थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल से उसे नौकरी करने की परमिशन नहीं मिलती। पूजा अपने ससुराल को बहुत प्यार और सम्मान देती थी, इसलिए वह अपनी सास की यह बात मान जाती है और एक हाउसवाइफ बनकर रहने का फैसला करती है और अब वह घर के सारे काम करती है। वह अपने दिमाग से नौकरी करने का ख्याल निकाल देती है। पूजा की दो नंद भी थीं, नैना और सुनैना, जो बहुत ही ज्यादा चालाक और चंडाल थीं। पूजा भाभी, आलू के पराठे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल से मुझे आलू के पराठे नहीं चाहिए। आप क्या चाहती हैं कि आलू के पराठे खा खा कर मैं मोटी हो जाऊं? आप क्या मेरी सुंदरता से जलती हैं? आपको मेरी सुंदरता अच्छी नहीं लगती क्या? अरे यार नैना, छोड़ ना, किसके मुंह लग रही है और आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? जाओ जल्दी से हमारे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। पूजा को समझ में ही नहीं आता कि उसके दोनों ननंद उससे इतना ज्यादा चिढ़ते क्यों हैं, उसे बात बात पर बातें क्यों सुनाती रहती हैं। लेकिन पूजा घर में लड़ाई ना हो, क्लेश ना हो, इसलिए चुपचाप अपनी दोनों नंदों की बात सुनती रहती है और उनके लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आ जाती है। कुछ समय बाद घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करते हैं। आलू के पराठे कुछ ज्यादा ही टेस्टी थे, सब तारीफ करते करते नहीं थकते। अरे पूजा बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। जो भी खाना बनाती हो उसमें अलग ही स्वाद आता है। कल के बथुए के पराठे कितने ज्यादा स्वादिष्ट थे और आज के आलू के पराठे, हा मजा ही आ गया। पूजा बहू, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तुम नौकरी करने के साथ साथ अपने घर पर इतना स्वादिष्ट खाना भी बना लेती थी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। मम्मी जी, आपको नाश्ता पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। मम्मी जी, दोपहर में क्या बनाना है वह भी बता दीजिए। बहू, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। दोपहर में पनीर की सब्जी, दाल चावल और सरसों का साग बना लेना। नैना सुनैना, अपनी भाभी से कुछ सीखो, तुम्हें भी दूसरे घर जाना है। अच्छा खाना बनाना सीख लोगी तो तुम्हारी भी ससुराल में वाह वाह होगी। पूजा बहू, अपने साथ साथ इन्हें भी लगा लेना। सॉरी मम्मी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किचन में जाकर यह फालतू का काम करें और चूल्हे के पास जाकर मुझे मेरी ब्यूटी खराब नहीं करनी, इसलिए मैं तो कोई काम वाम नहीं करने वाली, सॉरी। और मम्मी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कैसी सास हैं, अपनी बहू की तारीफ पर तारीफ करे जा रही हैं। अगर आप भाभी की इतनी ज्यादा तारीफ करेंगी तो वह सर पर चढ़कर बैठ जाएंगी, इसलिए मैं तो कहती हूँ इनकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और जितने अच्छे आप आलू के पराठे बता रही हैं, इतने अच्छे तो हैं भी नहीं। पता नहीं आपका तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। पूजा बहू सरगुण संपन्न बहू है, सारे काम कितने अच्छे तरीके से करती है। घर की सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना और खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है। घर के हर एक सदस्य का कितना ख्याल रखती है। और अगर मैंने उसकी तारीफ कर ही दी तो तुम्हें क्या मिर्ची लगती है? पूजा बहू तारीफ के लायक है तो उसकी तारीफ होगी, और तुम डांट खाने के लायक हो तो तुम्हें डांट मिलेगी। नैना सुनैना अपनी माँ के मुँह से पूजा की इतनी तारीफ सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती हैं और वह बाहर जाकर आपस में बातें करती हैं। सुनैना, तूने एक बात नोट की है? जब से वह पूजा की बच्ची हमारे घर में आई है, तब से मम्मी हमारे ऊपर नजर रखने लगी, हमें डांटती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमें खाना बनाना सीखना चाहिए, हमें अपनी ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। अरे यार, हम पहले भी तो इसी तरह रहते थे, लेकिन नहीं यार, मुझे पूजा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मम्मी, भैया, पापा सब उस पूजा के बच्चे की तारीफ करते रहते हैं। हाँ यार नैना, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हम इस बात को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने घर को अच्छी तरह से संभाल रखा है, सबका ख्याल रखती हैं और किसी को कोई जवाब भी नहीं देती, अपने काम से काम रखती हैं। नैना, मेरे पास एक आइडिया है, हमें पूजा भाभी को सबकी नजरों में बुरा बनाना है, ताकि सबका ध्यान भाभी के ऊपर जाए न कि हमारे ऊपर, और हम आसानी से जैसे पहले अपनी जिंदगी एंजॉय करते थे वैसे कर सकें। अरे वाह सुनैना, तेरे शाती दिमाग में कितना अच्छा आइडिया आया है, यही अच्छा रहेगा। अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, पूजा भाभी को परेशान करने का और उन्हें सबके सामने बुरा बनाने का, ताकि हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। चल ठीक है, बहुत मजा आएगा।
इस तरह से दोनों नंद बेचारी पूजा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। अगले दिन सुमित के ऑफिस के कुछ दोस्त आने वाले थे। जब इस बात की खबर नैना सुनैना को लगती है तो दोनों जल्दी से एक प्लान बना लेती हैं। पूजा सुमित के दोस्तों के लिए तरह तरह का पकवान बनाती है। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक खाने की तैयारी करती रहती है। तभी सुनैना पूजा के पास आकर कहती है, भाभी आपको मम्मी ने बुलाया है, जल्दी से जाइए। सुनैना दीदी, खीर के ऊपर नजर रखना, मैं बस 5 मिनट में मम्मी जी की बात सुनकर आती हूँ। तुम्हारे भैया के बहुत खास दोस्त आ रहे हैं, यह सारा खाना उन्हीं के लिए है और उन्हें खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खीर बनाई है। खीर का ध्यान रखना, ठीक है दीदी? चाहिए 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 आपके खीर का और आपके सारे खाने का, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। भाभी आज का खाना, आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरह से सुनैना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पूजा सुनैना के ऊपर किचन की जिम्मेदारी देकर सावित्री के पास आ जाती है। तभी नैना और सुनैना सारे खाने में बहुत सारी मिर्ची, बहुत सारा नमक और खीर के अंदर भी नमक डाल देती हैं। बेचारी पूजा को तो पता ही नहीं चलता कि उसकी दोनों चंडाल नंदों ने क्या किया है और कुछ समय बाद वह सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सुमित के दोस्त भी आ जाते हैं। सुमित, ऑफिस में तो तू अपनी बीवी की बहुत तारीफ करता है, ऐसा खाना वैसा खाना, चलो आज हम भी टेस्ट कर ही लेते हैं। सुमित ने ऑफिस में पूजा के खाने की बहुत तारीफ कर रखी थी और जैसे ही सुमित के सभी दोस्त खाना खाते हैं तो उनके कान से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उनकी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि नमक और मिर्च बहुत ही ज्यादा थी और सुमित के सभी दोस्त सुमित के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, उसे बहुत भला बुरा कहते हैं। अरे यार, जब इतना बुरा खाना ही खिलाना था तो हमें इनवाइट ही क्यों किया, पता नहीं तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है। सुमित के सभी दोस्त बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अपने दोस्तों की यह बातें सुनकर सुमित गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर पूजा को बुलाता है। सुमित के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा घर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझसे क्या कोई गलती हो गई, खाना अच्छा नहीं बना क्या? सुमित जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या हुआ बताइए ना। अरे हाँ हाँ सुमित बेटा, तूने तो घर को सर पर ही उठा कर रख दिया, मैं तो घबरा ही गई, पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ, तेरे दोस्तों ने कुछ कह दिया क्या, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? सुमित बेटा क्या हुआ? पूजा, तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ना, अगर तुम्हें मेरे दोस्तों से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे साफ मना कर देती। यार ये तमाशा देखने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है, भैया तारीफ करते करते नहीं थकते थे, पूजा का खाना ऐसा, पूजा का काम ऐसा, पूजा ऐसी, पूजा वैसी, बेचारी कैसी खड़ी आंसू बहा रही है। हमसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। नैना मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इतना एंटरटेनमेंट तो हमें टीवी पर भी नहीं मिलता। सुमित जी मैंने तो खाना सही बनाया था, खाने में इतनी ज्यादा मिर्ची, इतनी ज्यादा नमक कैसे हो सकता है। नैना सुनैना, मैंने तुम्हें भी तो टेस्ट कराया था, तुमने कहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, उस समय तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। लेकिन हाँ 5 मिनट के लिए मैं किचन से बाहर तो गई थी, उसके पीछे क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। पूजा बहू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बेटियों ने खाने के अंदर नमक और मिर्ची डाली है? मैं जानती हूँ मेरी बेटी थोड़ा बड़ बोला है, लेकिन वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उनकी परवरिश मैंने की है, मैंने। और मेरी बेटी अपने भाई के दोस्तों के सामने अपने भाई की इंसल्ट करवा ही नहीं सकती, मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? मम्मी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। नैना सुनैना को मैंने खाना टेस्ट कराया था, बस मैं इतना कह रही हूँ। नैना सुनैना तुम ही बताओ ना कि तुमने खाना टेस्ट किया था। भाभी आप झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रही हैं, और आप भगवान तो नहीं हैं, इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, आप अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती कि आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, शायद इसलिए खाना अच्छा नहीं बना। आप तो खुद को सही साबित करने के लिए मेरे ऊपर और नैना के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए जा रही है। अरे आप इंसान हैं, इंसान से गलती होती है, इस बात को क्यों नहीं मान लेती?
बेचारी पूजा, वह नैना और सुनैना की वजह से सबके सामने बुरी बन जाती है और सुमित तो अब पूजा से बात ही नहीं करता क्योंकि आज के खाने की वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। उसके सभी दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसा करके नैना और सुनैना बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। ऐसे ही नैना और सुनैना रोज रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती और पूजा को सबके सामने बुरा बना देती। अब तो कोई पूजा की तारीफ करना तो बहुत दूर की बात, उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। नैना और सुनैना अपने मकसद में कामयाब हो रही थीं। मम्मी, अब आपको हमारी बात समझ में आ रही है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि नई नवेली दुल्हन की इतनी तारीफ मत कीजिए, सर पर चढ़ जाएगी, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी और देख लीजिए अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। हम सबके लिए खाना अब आपको बनाना पड़ रहा है। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मुझे क्या पता था कि इस शरीफ बहू के पीछे इतनी चालाक बहू छिपी है। एक महीने कितना अच्छा काम किया, लेकिन वह तो सब दिखाने के लिए था। असली रूप तो इसका ये है जो अब हमें नजर आ रहा है। और वैसे भी जो लड़कियां नौकरी वगैरह करती हैं, उन्हें काम काज की क्या तमीज। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो मैं अपने सुमित के लिए इसे अपने घर की बहू बना के लेकर आई। नैना और सुनैना को सावित्री के कान भरते हुए पूजा देख लेती है। अब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है कि उसके साथ घर में यह सब कुछ जो हो रहा है उसकी नंदों की वजह से ही हो रहा है। कुछ समय बाद पूजा नैना और सुनैना के पास आती है और उनसे कहती है, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुमने मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझा, मुझे अपनी भाभी नहीं मानती। नैना सुनैना, घर का सुख बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मिलता है? अच्छी खासी जिंदगी तो हमारी चल रही थी सुमित जी, और मेरा रिश्ता भी तुमने कमजोर कर दिया। माँ जी के भी सामने मुझे बुरा बना दिया। यह सब करके तुम्हें आखिर मिलता क्या है? आपको परेशान देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमें पसंद नहीं हो। आपकी वजह से मम्मी, भैया, पापा हमें बातें सुनाते रहते थे, पूजा जैसी बनो, पूजा कितना अच्छा काम करती है, पूजा कितना अच्छा खाना बनाती है। इसलिए आपको आपकी अच्छाई की सजा मिली है। अगर आप इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद हम आपके साथ इतना बुरा नहीं करते। अब तो आपको सबकी नजरों में हमने बुरा बना ही दिया है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, अब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। भाभी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? आप हम दोनों को पसंद क्यों नहीं करती? आप हम दोनों को घर से क्यों निकलवाना चाहती हैं? हमारी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो सीधी सादी भोली भाली आपकी प्यारी सी ननंद हैं। किसी ने सही कहा है, भाभियों को ननंद पसंद आती ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। भाभी, अभी तो हमारी उम्र क्या है, आप हमारे रिश्ते क्यों ढूंढ रही हैं? सुनैना, नैना क्यों रो रही है? और पूजा, तुमने मेरी बेटियों को क्या कहा है? मम्मी, भाभी अपने घर बात कर रही थी, कह रही थी कि अगर उन्हें इस घर पर राज करना है तो उन्हें अपनी दोनों नंदों को इस घर से रुखसत करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। मम्मी, आप भाभी की बातों में आकर क्या हमारी शादी कर देंगी? अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। पूजा बहू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरी बेटियों की शादी करने का फैसला तुम कैसे कर सकती हो? ये मेरी बेटियां हैं, इनकी शादी मैं करूंगी, जब चाहूंगी तब करूंगी। और तुम इस घर पर राज करने का सपना सपना ही देखती रहोगी, कभी कर नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरी प्यारी बेटियों, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अभी शादीवादी नहीं कर रही। और पूजा बहू, तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। मम्मी जी, नैना सुनैना जैसी आपको नजर आ रही हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यह दोनों बहुत चालाक है। मम्मी जी, घर में जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ इन दोनों की वजह से ही हो रहा है। मैं तो बस इन्हें समझाने आई थी, और देखिए इन्होंने अपनी चालाकी से दोबारा से मुझे आपकी नजरों में बुरा बना दिया। मम्मी जी, नैना सुनैना मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं इन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रही। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बेटियों की भलाई किस में है किस में नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपना सामान पैक करो और अपने मायके जाओ, और नौकरी करो जो तुम्हारा काम है, और अपने मम्मी पापा को अपनी कमाई खिलाओ, इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। मम्मी जी, यही मेरा घर है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। पूजा ऐसा कहकर अपने रूम में आ जाती है और वह सोचती रहती है कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके और अपनी दोनों चंडाल नंदों की सच्चाई सबके सामने लेकर आ सके। और वह सोचते सोचते एक प्लान बना लेती है और चुपके से नैना और सुनैना के कमरे में एक कैमरा लगा देती है। नैना और सुनैना पूजा की ये हालत देखकर बहुत खुश थी और वह आपस में बातें कर रही थी।
यार हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतनी आसानी से उस पूजा की बच्ची को सबकी नजरों में इतना बुरा बना सकते हैं। भाई के दोस्तों के खाने में नमक मिर्च हमने डाली, मम्मी की साड़ी हमने जलाई, पापा की चाय में मिर्चें हमने डाली, भैया के जूते भी हमने ही खराब किए, सारे बुरे काम किए हमने और इल्जाम लगा बेचारी सरगुण संपन्न भोली भाली शरीफ बहू के ऊपर। जब से हमने उस शरीफ भोली भाली सरगुण संपन्न बहू को बुरा बनाया तब से हम सबकी नजरों में अच्छे बन गए। नैना और सुनैना इस बात से बेखबर कि उनकी सारी बातें और उन्हें उनके घर वाले देख रहे हैं। जब नैना और सुनैना की सच्चाई पूरे घर के सामने आती है तो उनकी आंखें पूजा के सामने शर्म से झुक जाती है। सावित्री अपनी दोनों बेटियों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है। नैना सुनैना तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, तुम दोनों इतनी चालाक इतनी चतुर हो सकती हो, तुम्हें तो मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने बेचारी शरीफ पूजा बहू के ऊपर इतने घटिया घटिया इल्जाम लगाए, उसे बुरा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी सजा ये है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, पॉकेट मनी बिल्कुल बंद, घर के सारे काम करोगी। पूजा बहू हो सके तो हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी आप माफी मत मांगिए, आपको मेरी सच्चाई पता चल गई, बस मेरे लिए यही काफी है। सुमित जी आप भी अपनी नजर शर्म से नीचे मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। पूजा सबको माफ कर देती है और दोबारा से पूजा सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। नैना और सुनैना को उनके केक की सजा मिल जाती है और अब वह दोनों घर का सारा काम करती हैं और कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। और अब पूजा अपनी दोनों नंदों की शादी के बाद और भी ज्यादा सुकून से अपनी ससुराल में रहती है।